हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है 8:15 रात के, मतलब शाम शाम के बोले या रात के बोलो। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लेट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, आज है ट्यूसडे, हाँ कल मंडे था, आज ट्यूसडे है। यहाँ पर आ गया है मुझे पिंपल, पता नहीं क्यों, उसका भी कुछ करना पड़ेगा आज। और हाँ, अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि थ्रेडिंग देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आज थ्रेडिंग करवाने जा रही हूँ फाइनली, तो मैंने सोचा चलो आज जाके ही आ जाते हैं, थोड़ा टाइम है अभी। और ये गया है अद्विक को लेके बाहर, क्योंकि वो जिद कर रहा था ना, अद्विक का ना फीवर मतलब काफ़ी ज़्यादा था सुबह, तो इसी वजह से मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का मन ही नहीं किया मेरा। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, सुबह करने वाली थी ब्लॉग स्टार्ट, बट उसका ना जैसे ही वो सुबह उठा, मतलब हम लोगों ने रात को ही सोचा था कि इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा खांस रहा था और ज़ुकाम भी हो गया था उसे, तो इसी वजह से हमने सोचा कि स्कूल नहीं भेजेंगे। रात को भी उसने थोड़ा सा परेशान किया था, सुबह उसे ऐसे ही सोने दिया हमने। तो सुबह जब उठा वो, तो इतना ज़्यादा कब मतलब उसके गले में बैठ गया था कि आपको क्या बताऊँ, मतलब उससे आवाज़ भी नहीं आ रही थी उसके मुँह से। तो इसी वजह से मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग स्टार्ट करने का। तो अभी थोड़ा सा वो खेलने वगैरह लगा है, तो ये लेके गए हैं उसे बाहर, मतलब बाहर मीन्स थोड़ा हॉस्पिटल भी दिखा के लाएंगे, तो ऐसे ही गए हैं और हॉस्पिटल भी दिखा के लाएंगे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं थ्रेडिंग करवा के आ जाती हूँ। तो माँ ही घर पे है, अकेली माँ भी बोर हो रही थी, तो यहाँ पर ही एक पार्लर है, पास में ही है, तो वहाँ पे जाके आ जाती हूँ। तो देखते हैं वो पार्लर ओपन है या नहीं है, तभी पता नहीं, ओपन होगा तो वहाँ पर जाऊँगी, अदरवाइज नहीं होगा तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली ना मैं घर पे ही करती थी थ्रेडिंग, मतलब मुझे घर पे करना आता है, सेल्फ करना आता है, बट अभी ना कुछ फंक्शन वगैरह के लिए जाना है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं बाहर जाके आऊँ। तो चले फिर जाके आ जाती हूँ जल्दी से फिर। माही इसको ना एक मिनट, जैसे मैंने बोला माही अंदर का जो लाइट है बेडरूम का वो ऑफ करके आओ, बोल रही है मुझे डर लगता है ऑफ होने के बाद, फिर बोल रही है कि आप यहाँ से बोलो माही माही, तो मैंने बोला ही नहीं, तो बोल रही है क्यों नहीं बोला, अरे ये डोर कौन बंद करेगा माही, नहीं मेरे पास कहाँ है कि मेरी गाड़ी की की को होगी, नहीं है। हाँ चलो चलो ले लो। तो आज ना पहनी है मैंने ये वाली बेली, आप देख सकते हो, अरे दिख नहीं रही है। कैसे लग रही है जरूर बताना, मतलब कंफर्टेबल है यार पहनने में, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, गाड़ी नहीं ली, पैदल जल्दी आना है हमें घर पे। एक्चुअली गाइस भूत बन के आ गई हूँ मैं गई थी सिर्फ थ्रेडिंग करवाने, थ्रेडिंग तो की बट वो बोल रहे थे कि मतलब आप ये भी कर लो, फेशियल भी करवा लो, तो मैंने बोला उनको ठीक है फेशियल करवा दो करके, तो उन्होंने फेशियल भी करवा दिया, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पता नहीं अभी कैमरा में कैसा लग रहा है, अहो थोड़ा सा मैं कसा वाटते हैं फेशियल, बगा बड़े ग्लो वाटता है क्या, ग्लो बगा ना एक बार, अब ये बताएंगे आपको ग्लो दिख रहा है या नहीं। हाँ ग्लो नहीं यार, कुछ भी नहीं, नहीं अरे आज थोड़ी ना दिखेंगे अरे इससे अच्छा तो तुम घर में कर लेती यार। अरे आप लोगों को पता ही है मैं घर पे करती हूँ हमेशा, बट अभी वहां पर गई, उन्होंने बोला कि करा के देख लो, मतलब पहली बार गई थी उनके यहाँ पे, मैं एक्चुअली घर के पास ही है, थोड़ा सा आगे ही है, बट पहली बार गई थी, बट उन्होंने बोला कि करा के देख लो, तो मैंने कर लिया, मैंने बोला जान लो अभी, तो ग्लो नहीं दिख रहा बोल रहे थे। तो वो बोल रही थी कि कल आना चाहिए था आपने, मतलब कल आते
तो कल मुझे कहीं जाना है तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो करवा लेती हूँ। और ये भी पिंपल भी महाराज आ गए थे क्या और मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो देखो ऐसे हस्बैंड किसी को मिलेंगे। बस करो बस करो। डेली का ही है बोल रहे थे। देखो डेली का ही है। डेली में कहीं जाती हो कि यार डेली में जाती हूँ वो देखो आप लोगों के सामने बोल रहे क्या मेरा मेरी वो टमाटर वाला डेली जाती हूँ क्या मैं कुछ भी आप बोल रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ देखो नहीं तारीफ का बोल रहे हो क्या तारीफ 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 ये देखो क्या बना रहे हो ये दाल तड़का ये काला काला क्यों इसका। चलो कोई बात नहीं अभी टेस्ट पता चलेगी कैसी है तो और हाँ कल पता चलेगा इसका ग्लू अपना और अद्विक अद्विक की मेडिसिन इतनी सारी मेडिसिन वो मैं देखा उसमें क्या क्या है। अच्छा अच्छा तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर। डॉक्टर बोला दो चार दिन इसको ऐसे रहेगा होगा। अच्छा अच्छा भाई तो डॉक्टर के पास लेके गए थे ना ये तो बोल रहे कि दो चार दिन ऐसे ही रहेगा बाद में वैसे भी ना जुकाम होता है तो दो चार दिन रहता ही है जुकाम बच्चों को उसके बाद ही ठीक होता है। और मैंने इनको टमाटर लाने के लिए बोले तो टमाटर लाए इन्होंने। मैंने सोचा घर पे आती हूँ जल्दी से फिर खाना बनाऊंगी लेकिन फिर इनको वहाँ से ही कॉल करना पड़ा मुझे क्योंकि वो हाँ रोटी तो बना के रख दी थी मैंने एक्चुअली रोटी पहले ही बना के रख दी थी बट मैंने सोचा कि सब्जी बनाऊंगी मैं आने के बाद इसी वजह से सब्जी तो इन्होंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया। दाल तड़का बना रही है तो चलो अच्छा है मेरे लिए। हाँ और यार अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा वो हो चुका है ना मतलब पूरा वो स्क्रब वगैरह उसकी वजह से थोड़ा सा कोई बात नहीं कल देखेंगे ग्लो इसका। अद्विक अद्विक अब बताओ सबको कैसा लग रहा है अभी आपको कैसा लग रहा है बताओ। अद्विक अद्विक क्या खुल रहा है देखो वो टॉकिंग टॉम का गेम। अद्विक नहीं अभी चलो अभी खाना खाने के लिए चलो बस बस बस, बस चलो खाया खाया क्या खाना खाया कब खाया अब खाया कब कब खाया बंद करो ना दो मिनट के लिए आवाज कम करो। हाँ बस अब बताओ अब कब खाना है या छक्का खेल रहे हो दिखाओ। अच्छा कौन सा गेम था वो बिल्ली बिल्ली का। अच्छा तो टॉकिंग टॉम और खाना कब खाया बताओ मुझे। अभी खाया हाँ। चलो दोबारा से खाओ थोड़ा सा खाना चलो जल्दी से अभी खाया चलो दोबारा से खाओ थोड़ा सा खाना क्या बोल रहे हो दोबारा खाना खाया ठीक है ये यहाँ पर मेडिसिन लाई है मैंने मेडिसिन लाने गए थे चलो लोग पी लो अजी अभी जल्दी से बस 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 चलो चलिए तो फिर खाना खा लेते हैं जल्दी से और अधिक तो नहीं खाएगा बोल रहा है क्योंकि पहले ही खा लिया बोलते उसने हम लोग वहाँ पर गए थे तो उसने खाया था बोल रहे थे खाना खास बहुत रहा है यार। चलो खाना खा लेते हैं जल्दी से चलो मानी फोन बज रहा है इनका एक्चुअली खाना खा लिया है तो मैं ना यूज करने वाली हूँ अभी ये वाला जीरो पिंपल जेल रूप मंत्रा का। तो कभी एक आध पिंपल आ जाता है मुझे तो मैं यही यूज़ करती हूँ एक्चुअली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ये लगा लेती हूँ मैं। काय झालं टुल्लूला काय झालं रडू नाही ना जब भी तबियत खराब हो जाती है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है अब ना इसे सिर्फ इस तरह से लगा लेना है और ऐसे ही रात भर छोड़ देना है तो बस इसे ऐसे ही रात भर रह लेंगे हम लोग।
बोले आज ही आना था ये वाला पिंपल। और यहाँ पर अद्विक के मसाज इससे मसाज कर करनी है उसे। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, ये देखा। अरे अरे हाँ, इससे बहुत ही अच्छे से मसाज होती है और मतलब बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है इससे मसाज करने से। बाय। बाय, लव यू, टेक केयर, टेक केयर, लव यू, टेक केयर, लव यू, टेक केयर। हाँ, टेक केयर। आपको ही तो ध्यान रखने की जरूरत है अभी, खुद का ध्यान रखने की। नहीं, आपको ही खुद का ध्यान रखने की जरूरत है अब। ओ हाँ, आपकी तबीयत खराब है, देखो आके कैसी होगी। अरे ऐसे मत करो पिल्लू, बोलो बाय बाय। सो गाइज, ये है नेक्स्ट डे और अद्विक की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ जो भी होगा आज। और ना आज हमें जाना है एंगेजमेंट पे, भाई की एंगेजमेंट है आज, एक्चुअली कज़न है तो उसकी एंगेजमेंट है, तो इसी वजह से वहाँ पर जाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी कर रही थी। एक्चुअली हमें घर से बहुत जल्दी निकलना था, बट अद्विक की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, एक तो रात को बहुत लेट सोए, उसके बाद सुबह जल्दी उठी मैं, बट उनको उठाने का मन नहीं किया मुझे, तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि रात को हमने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था, मन ही नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जल्दी बना लेती हूँ और घर से कुछ खा के जाएंगे, तो थोड़ा सा टेंशन नहीं रहेगा, बच्चों बच्चों को खिला के जाएंगे। हम लोग होटल वगैरह में रुकते तो खाते तो थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता क्योंकि पहले से ही तबीयत ख़राब है अद्विक की, और फिर बाहर का खाते तो और टेंशन होता, इस वजह से मैं घर पर ही बना रही थी। बहुत लेट हो गया था, फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ बच्चे खा लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर चाय भी बन रही थी मेरे साथ साथ, मैं पोहा भी बना रही थी, और वैसे भी पोहा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली अद्विक को और माही के पापा को बहुत ही ज़्यादा पोहा पसंद है मेरे हाथों से बना हुआ, इसलिए हम लोग घर से ही ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। और वैसे भी बहुत ही लेट हो गया था इसे निकलने में, वहाँ पर पहुँचने में भी लेट हो गया था। एक्चुअली हमें जाना है शेगांव, और कौन कौन शेगांव से मुझे देख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब पता तो चले कि मुझे मेरे आजू बाजू से कौन मुझे देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को, अगर आप महाराष्ट्र से होंगे तो आपको शेगांव तो पता ही होगा, गजानन महाराज का मंदिर है और गजानन महाराज का मतलब संस्थान बोलते हैं वहाँ पे, गजानन महाराज मतलब काफ़ी लोग अगर महाराष्ट्र से है तो वो लोग तो जानते ही होंगे, गजानन महाराज को काफ़ी लोग मानते हैं और बहुत मतलब भक्ति से पूजा करते हैं गजानन महाराज की। मेरे यहाँ पे भी आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं किचन में तो मेरे यहाँ पे दो फ़ोटो है गजानन महाराज के लगे हुए वॉल पे, तो हम लोग ज़्यादा मानते हैं गजानन महाराज को, और यहाँ के जो भी है वो बहुत ज़्यादा मानते ही है, तो पक्का बताना मुझे कौन कौन शेगांव से है। और हाँ, बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन जाएगा, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। एक्चुअली मेरा नहाना वगैरह सब लोग रेडी तो हो चुके थे, बस मैं ही रेडी होना बाकी थी क्योंकि मैं इस काम में लगी थी और काफ़ी ज़्यादा काम भी पड़े थे सुबह के, बट मैंने सोचा चलो हमें ना दूल्हे के साथ ही जाना था, मतलब जिसकी एंगेजमेंट है उनके साथ ही जाना था एक्चुअली, बट हमें घर से ही निकलने में लेट हो गया, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप निकल जाओ हम लोग लेट आएंगे करके, तो हम लोग फिर बाद में बहुत लेट पहुँच गए थे वहाँ पर, तो प्रोग्राम थोड़ा सा स्टार्ट भी हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। अभी बज रहे हैं 8:30 सुबह के, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब बाहर में एंगेजमेंट पे जा रहे हैं हम लोग, तो इसी वजह से मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और कैसी दिख रही है मुझे ज़रूर बताना, मैं फुल लुक भी आपको दिखा दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मेसी लग रहा है मुझे पीछे बैकग्राउंड में, बट कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है तो हम लोग निकलने वाले हैं, और एक्चुअली हेयर स्टाइल में बनाने वाली थी अच्छी सी, बट पता नहीं क्या होगा, ये हेयर स्टाइल ही नहीं बन रही है स्मूथनिंग की वजह से अच्छे से, और स्प्रे मैं करना नहीं चाहती इसको, बट देखती हूँ अभी स्प्रे अगर करना हो तो कर लूँगी। लॉक कर श्रीकांत, श्रीकांत आहे,
एक्चुअली यहाँ पर एंगेजमेंट फिनिश हो गई थी और हम लोग निकल चुके थे घर जाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉन में थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लिए थे। तो एक्चुअली ना एंगेजमेंट में कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा मैं शूट करने वाली थी बट वो कुछ भी शूट नहीं करना हुआ। अगर घर का प्रोग्राम हो, मतलब घर के जैसे प्रोग्राम हो और मतलब काफ़ी सारे रिलेटिव जो है वो क्लोज़ के हो, तो वैसा ही होता है कि हमें कुछ भी शूट करना नहीं होता है, उनसे बातें करने में इतना टाइम निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि व्लॉगिंग कर रहे हैं करके। तो इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और बस वो केक कट करने के टाइम मुझे सडनली याद आया कि मुझे शूट भी करना है करके, तो इसी वजह से मैंने वो शूट कर लिया। और बस यहाँ पर आ गए थे हम गजानन महाराज के दर्शन के लिए। शेगांव आए और गजानन महाराज के दर्शन ना हो ये हो ही नहीं सकता, तो गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। और दर्शन हो जाने के बाद फिर हम लोग घर पे चले गए थे। तो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।